ओके सो बच्चों वेलकम टू द फर्स्ट सेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको ऑफ कोर्स, है ना। इसमें से एक छोटा सा पार्ट अगर आपको याद होगा तो हमने पीरियोडिक टेबल का जो टॉपिक था उसमें कंप्लीट किया था। वो पार्ट क्या था? वो पार्ट था क्वांटम नंबर्स का, हमने क्वांटम नंबर्स कंप्लीट किए थे। बट नाउ वी विल गो फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, ठीक है, एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड एवरीथिंग, वी गो फ्रॉम देयर। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री, एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर एमिंग फॉर लाइक थोड़ा सा एडवांस स्टडीज, आगे जाके आपको रिसर्च करनी है तो क्वांटम फिजिक्स क्वांटम केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, बहुत सारे, वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जिनको उस चीज़ में इंटरेस्ट है उनको ये चैप्टर बहुत मज़ेदार लगेगा, है ना। लॉट्स ऑफ हिस्ट्री, लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स। और फील फ्री, आप अगर आपको ऐसे टॉपिक से थोड़ा सा हायर लेवल भी अगर पूछना है मुझे कुछ तो बिंदास इसमें पूछना, अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। चल तो पहली चीज क्या थी, पहला फंडा क्या था, एटम की जरा हिस्ट्री देखते हैं हम। तो आइडिया ये था कि भाई मैटर को डिफाइन किया गया, तो मैटर तो सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, सबको मालूम है ना। तो मैटर को डिफाइन किया और ये बताया गया, पहला कॉन्सेप्ट ये बताया गया इन दी अर्ली 1700s, ये बताया गया कि भाई चीज़ें मैटर जो है वो एटम से बनता है। ये फंडा आया मतलब लेट 1700s अर्ली 1800s, वहाँ तक ये एस्टेब्लिश हो चुका था कि भाई ठीक है हमारे आसपास की हर चीज़ कुछ चीज़ों से बनी, कुछ पार्टिकल से बनी हुई है और उन पार्टिकल का नाम एटम रख दिया गया। देर इज़ वन वेरी इंटरेस्टिंग थियोरी नॉट गिवन इन द बुक दैट सेज द वर्ड एटम, एटम इंग्लिश का शब्द, ये कहाँ से आता है गैस कर सकते हो? एक ऐसी थियोरी है जो कहती है कि संस्कृत में आत्मा या आत्मन जो शब्द है अपना, क्या होता है, सोल स्पिरिट, वहां से आता है। संस्कृत के आत्मा से उन्होंने वर्ड बनाया इंग्लिश में एटम। क्या है वो? कोर है ना मैटर का, जैसे शरीर, आत्मा आपके शरीर आपके कॉम्पोजिशन की क्या है, सेंटर है, कोर है आपका, वैसे। खैर ये इंटरेस्टिंग बात। तो डाल्टन, जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सबसे पहला सिंपल बेसिक आइडिया दिया बच्चों कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। क्या बोला उन्होंने? सारा मैटर पूरे यूनिवर्स में किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ। ये सिंपल फंडा उन्होंने दिया। तो डाल्टन एटॉमिक थियोरी से हमारी कहानी शुरू होती है। डाल्टन की एटॉमिक थियोरी ने बोला कि भाई पहली बात तो उन्होंने सारे लॉज जो हमने केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिक लॉज देखे थे, याद है सबको, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गैशियस वॉल्यूम्स एंड ऑल दोस, राइट। वो सारे लॉज भी डाल्टन ने जब थियोरी दी तो उससे पता चले कि हाँ वो लॉज एकदम सही थे। पर इस थियोरी का सबसे अगर आपको बोलूं कि एक लाइन में आइडिया देने हैं तो आप क्या बोलेंगे? एक लाइन में उन्होंने क्या बोला था? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। जैसे बायोलॉजी में सेल थियोरी है, अब ये बायो स्टूडेंट्स अप्रिशिएट करेंगे, देखना। बायोलॉजी में सेल थियोरी, वो क्या बोली थी? सेल थियोरी क्या बोलती है बायो में? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स, है ना। आप उसका पैरेलल बना लो केमिस्ट्री में, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। क्या बात समझ में आ रही है, है ना। तो ये था डाल्टन की थियोरी का फंडा। डाल्टन थियोरी दी गई थी इन द ईयर 1808, इस साल में डाल्टन की थियोरी दी गई थी, है ना, जॉन डाल्टन ने दी थी। अच्छा, इससे ये तो पता चला कि भाई केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज ठीक थे, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, वो भी ठीक है, पर इससे मैटर की प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं हुई। शॉर्टकमिंग ऑफ डाल्टन थियरी क्या था? इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। उसने ये नहीं बताया कि भाई अगर सिल्क या फर लिया और उसके ऊपर ग्लास का एक रॉड लिया और ऐसे घिसा तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती। ये एक्सपेरिमेंट आप सबने किया है बचपन में, है ना, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े लिए, बाल में ऐसे कंघी घुमाई प्लास्टिक की और फिर पेपर पे चिपकाया, सबने किया है ना, राइट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्यों होता है, ये डाल्टन की थियोरी समझा नहीं पाई थी। क्यों नहीं समझा पाई थी? क्योंकि डाल्टन बाबू बोल के गए थे कि एटम इज इनडिविजिबल। क्या बोल के गए थे? एटम इज इनडिविजिबल। तो यहां से शॉर्टकमिंग से हमारा अगला थियरी निकलेगा। देखो, एक थियरी पढ़ने का
उसकी जो शॉर्टकमिंग है उससे दूसरी थियरी निकलती है, यही फंडा है। तो वो बोलता है भाई मैटर इज मेड ऑफ एटम्स, ठीक है, एंड एटम इज इनडिविजिबल। एटम को फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। क्या ये बात सही थी कि गलत थी? ऑफ कोर्स टुडे वी नो कि ये बात गलत है। आज तो हर बच्चे बच्चे को पता है, कॉमर्स वाले को भी पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो क्या एटम रियल में इनडिविजिबल था बच्चों? नहीं, एटम डिवाइड हो सकता है। तो यहां से हमारी जो शॉर्टकमिंग थी वहां से नई थ्योरी चालू हुई, ठीक है ना। तो ये बोलता है ओके सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब डिस्कवर हुए, कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल? तीन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये जब ये हो गए, क्या बोलते हैं, डिस्कवर हो गए, तब डाल्टन की थ्योरी गई। ठीक है, कौन से थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स? थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, क्या ये तीन ही है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ही है? आपके लेवल पे, अगर क्लास 11 के साइंस के लेवल पे मैं बोलूं, इवन अप टू जेई लेवल की अगर मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीईटी या बेसिक बोर्ड्स की बात कर रहा हूं, आपके लेवल पे आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता है, बहुत है। जो फैंसी बच्चे हैं, जो अवेंजर्स की फिल्म देख के आए, है ना, वो क्वांटम टनल वाली, कौन सी थी, अवेंजर्स एंड गेम, इन्फिनिटी एंड गेम, है ना, या जिसने फ्लैश की सीरीज देखी हो। मैं ये रेफरेंसेस क्यों देता हूँ, क्योंकि आपको रियल पता चलता है कि हाँ अच्छा इसके एप्लीकेशंस हैं कहीं ना कहीं। फ्लैश की सीरीज जिसने देखी होगी, तो उसमें वो यहाँ पे अपने चेस्ट पे वो लगाता है न्यूट्रिनोस का एक डिवाइस, है ना। तो क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, फर्मियॉन्स, बोसॉन्स, न्यूट्रिनोस, ये सब अटोमिक के भी सब अटोमिक पार्टिकल हैं। इनके ऊपर पूरी की पूरी थियोरीज हैं, स्ट्रिंग थियोरी, सुपर स्ट्रिंग थियोरी, एम थियोरी वगैरह सब है। पर अपने को बात किसकी करनी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हम सिलेबस के अंदर इन तीनों की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इंटरेस्ट के चलते बह मत जाना, पता चला न्यूट्रिनोस पढ़ने लगे और कोई पूछ ले न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया तो नहीं पता, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी आपको। आई होप यू ऑल रियलाइज दैट, है ना, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, अपने को मेनली अपने सिलेबस पे फोकस करना है, उसके अलावा इंटरेस्ट के लिए बीच बीच में अपन कुछ बातें एक्स्ट्रा कर लेंगे, अलग बात है। चलो, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन खत्म, सिंपल। इनमें से हमने पीरियोडिक टेबल में देख लिया ऑलरेडी कि एटम की पहचान किसको माना जाता है, एटॉमिक नंबर को कौन डिफाइन करता था, नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफाइन करते थे, है कि नहीं, हमने ऐसा बोला था ना, Z इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कोइंसिडेंटली इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोलो हाँ कि ना, क्यों, क्योंकि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये सारी बातें हमने की हुई है। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहां होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं? तो यहां पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एटॉमिक न्यूक्लियस एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन न्यूट्रॉन टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहां हैं? बाहर है। ये जो फंडा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, सॉरी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे, ये किसने बताया? तो ये बताया था किसने, रदरफोर्ड ने, प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम दिया था ना, रदरफोर्ड ने प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। पर उसके पहले रदरफोर्ड ने तो 1911 में किया था अपना एक्सपेरिमेंट, और फिर 1919 में उसके बाद थियोरी वगैरह सब एस्टेब्लिश हुई थी। इन द ईयर 1897, पहले मतलब डाल्टन और रदरफोर्ड के बीच में, सर जे जे थॉम्सन आए। कौन आया? सर जे जे थॉम्सन, ठीक है, इन द ईयर 1897। इन्होंने कैथोड रेज की डिस्कवरी की और साथ ही साथ एटम का स्ट्रक्चर बताने के लिए
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल क्रिएट किया जिसका नाम था, किसी बच्चे ने नाम सुना इसका, थॉमसन के मॉडल का, वेरी पॉपुलर नेम, प्लम पुडिंग मॉडल। क्या था बच्चों? प्लम पुडिंग मॉडल है ना। अच्छा एक तो ना इंडियन, अपन इंडियन लोग है ना, अपने को पुडिंग पॉरिज नहीं समझता है ना, पॉरिज बोला तो अपने को खीर समझती है, पॉरिज सोचना पड़ता है, पुडिंग, पुडिंग क्या होता है, पाए समझते हो, पाए, पी आई पाए, कौन सा वाला, खाने वाला, अरे बाबा पाए वाला पाए नहीं मैथ्स वाला नहीं, खाने वाला पाए है ना, सॉफ्ट केक जैसा बेसिकली, वो पुडिंग आप बोल लो या पाए बोल लो, ठीक है ना, वो बोलने के लिए सॉफ्ट केक जैसा इमेजिन करो, आप लोग वो टूटी फ्रूटी वाला केक खाते हो ना, जो प्लम केक टाइप्स वैसा, जिसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ऊपर टूटी फ्रूटी के। तो ये भाई साहब क्या बोल के गए कि भाई एटम जो है वो पूरा एक सॉफ्ट, समझो जैसा केक आप इमेजिन कर सकते हो वैसा है, और जैसे उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, छोटे छोटे टूटी फ्रूटी या प्लम के पीसेस लगे होते हैं ना फ्रूट्स के, वैसे ही एटम है पूरा, और उसके ऊपर है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसा, ये ऐसे लगे हुए, जिसको बोला प्लम पुडिंग मॉडल। ऑब्वियसली ये बकवास मॉडल था, ऑब्वियसली ये बकवास मॉडल था, क्यों? क्योंकि बाद में पता चला कि ऐसा नहीं होता भाई, चार्ज कंप्लीटली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कि भाई प्रो पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा नहीं है, है ना। तो ऑफकोर्स प्लम पुडिंग मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया था, चॉकलेट चिप कुकी बोल लो, ठीक है, ऐसा है ना, ऐसे दिखता है ना चॉकलेट चिप कुकी, मेरी ड्राइंग खराब है, एक कुकी है और उसके ऊपर ऐसे चॉकलेट चिप्स लगे हुए, हाइड एंड सीक बिस्किट तुम्हारा, तो वैसा आप समझ लो, ठीक है, प्लम पुडिंग बोल लो या कुछ भी। तो उन्होंने वो मॉडल दिया था। खैर अलोंग विद दैट हिज ग्रेटेस्ट डिस्कवरी फॉर हिम व्हिच ही वाज एक्चुअली गिवन अ नोबेल प्राइज लेटर वाज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट डिड ही कॉल देम इलेक्ट्रॉन्स एट दैट टाइम? नो, ही कॉल्ड देम कैथोड रेज। क्या बुलाया उन्होंने उसको? कैथोड रेज। समझ रहे हो आप लोग? इन शॉर्ट क्या हुआ, जे जे थॉमसन ने एक तरह की रेज डिस्कवर की, ही कॉल्ड देम कैथोड रेज। कुछ सालों के बाद पता चला कि अरे वो जो जिसको वो कैथोड रेज बोल के गए थे वो तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है बात बच्चों? अच्छा इन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन कैसे किया? तो इन्होंने किया कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। जे जे थॉमसन परफॉर्म्ड व्हाट? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। नाउ इन योर बुक इट इज रिटन एज कैथोड, ऑफ कोर्स है ना, बट आप प्लीज उसको कैथोड कर दो। एनोड कैथोड तो सबको मालूम है ना, एनोड कैथोड सबको पता है क्या होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, सबको मालूम है, ठीक है। सो कैथोड रे ट्यूब एक ट्यूब थी, एक उन्होंने कांच की, ये ग्लास किस चीज की ट्यूब है, ये देख लो, ये डायग्राम देख लो, किस चीज की ट्यूब है, ये ग्लास कांच की ट्यूब है, ठीक है, ये सील्ड ट्यूब है, पूरी की पूरी कैसी है, सील्ड ग्लास ट्यूब, ठीक है। आपकी टीवी की जो स्क्रीन होती है ना, टीवी की स्क्रीन, आजकल आप लोग तो फ्लैट टीवी देखते हो, एलसीडी एलईडी टीवी, पुराने जमाने के टीवी देखे ऐसे बड़े डब्बे डब्बे जैसे कर्व्ड स्क्रीन वाले, उसकी जो स्क्रीन होती थी ना बच्चों, उसको ट्यूब बोलते थे। ये एक जनरल नॉलेज का एक सवाल आता था पहले कि भाई टीवी जो है वो कैथोड, टीवी किस टाइप का साइंटिफिक स्ट्रक्चर है, तो वो कैथोड रे ट्यूब था, टीवी टेलीविजन वॉज बेसिकली कैथोड रे ट्यूब, अब तो खैर वो एलसीडी और एलईडी पैनल्स है। तो ये जो फंडा है ये क्या बोलता है, बहुत सिंपल फंडा था, इसेड कैथोड पे तुमने एक मटेरियल रखा, कैथोड पे क्या रखा, एक मटेरियल, कोई भी मटेरियल रखा तुमने जो रेडियो एक्टिव, यानी कि जो जो रेडिएशन बाहर फेंके, ठीक है, या फिर कोई ऐसा मटेरियल जिसको गर्म करने पे जिसमें से रेज बाहर आएंगे, ठीक है। तो ये भाई साहब ने क्या किया, एक सील्ड ग्लास ट्यूब लिया, एक एंड पे रखा कैथोड, दूसरे एंड पे रखा एनोड। यहां तक क्लियर? डायग्राम को ध्यान से देखो, सील्ड ग्लास ट्यूब लिया, एक एंड पे रखा कैथोड, दूसरे एंड पे रखा एनोड, और कैथोड में से कुछ रेज बाहर आई, कैथोड नेगेटिव था एनोड पॉजिटिव था, तो नेगेटिव रेज क्या पॉजिटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगी? ऑफ कोर्स होगी, नेगेटिव रेज है, पॉजिटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी,
सीधी बात है। तो एनोड में भाई साहब ने क्या किया, एनोड की जो प्लेट थी उसमें एक छोटा सा कर दिया होल, क्या किया एक छोटा सा होल, तो एनोड की तरफ आई लेकिन ऐसे इधर से पास होके निकल गई रेस। क्या ये आप इमेजिन कर सकते हो, ये रहा कैथोड, कैथोड में से ऐसे रेस बाहर आई, यहां पे एनोड में होल किया, क्या हुआ रेस पास होके दूसरे साइड चली गई, है ना। अब सामने यहां पे क्या रखा उन्होंने, उन्होंने रखी एक स्क्रीन, क्या रखी एक स्क्रीन। बोलोगे सर स्क्रीन क्यों रखी भाई, क्या ये रेज वो नेकेड आई से देख सकते थे क्या, नहीं, ही कुडंट सी द रेज ना, इट वॉज नॉट विजिबल। सो हाउ विल ही नो कि रेज पहुंच गई, रेज यहां तक पहुंची कि नहीं पहुंची, मेरे को कैसा पता चलेगा, मेरे को दिख रही नहीं तो। तो अगर मैं स्क्रीन रखूंगा और स्क्रीन पे मेरे को चेंज दिखेगा तो मुझे पता चल जाएगा ना कि अच्छा रेज पहुंच गई। बोलो हाँ कि ना। अब जैसे तुमको अगर लाइट नहीं दिख रहा, फॉर एग्जाम्पल तुमको मैं दिखाता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से लाइट ऑन की, तुम्हें लाइट नहीं दिख रही समझो, मैंने स्क्रीन के बाहर रख दी, लेकिन तुम्हें यहां शैडो दिख रही है स्क्रीन पे, देखो राइट में मेरे स्क्रीन पे शैडो दिख रही, देखो मैंने डॉग बना कुत्ता बना दिया मैंने इसे, है ना। अच्छा अगर मैं ये लाइट हटा दूं तो स्क्रीन पे शैडो ज्यादा नहीं दिखेगी, लेकिन ऐसे लाइट रखूं तुमको लाइट नहीं दिख रही लेकिन लाइट का इफेक्ट तो दिख रहा है ना, हाँ यही फड्डा है। तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे रेज नहीं दिख रही लेकिन रेज पहुंची, ये कैसे पता, मैंने एक स्क्रीन लगाई, कोई भी ऑर्डिनरी स्क्रीन लगाई क्या, नहीं मैंने फ्लोरेसेंस वाली स्क्रीन लगाई। कौन सी लगाई, फ्लोरेसेंस वाली स्क्रीन, यानी कि रेज अगर उसको जाके टच करेगी टकराएगी तो उसमें लाइट ऐसा लाइट के ऐसे बर्स्ट्स, मतलब देखो लाइट जलती हुई दिखेगी, तो पता चला अच्छा इधर रे आई ऐसा लाइट जली, इधर रे पहुंची अरे लाइट जली, तो ये पूरी स्क्रीन मैंने लगा दी, जहां जहां पे रेज जाके टकराई उधर क्या हुआ फ्लोरेसेंस दिखा। फ्लोरेसेंस समझते हो ना, जो जो चीज चमकती है उसको आप फ्लोरेसेंस बोलते हो, है ना। ये मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं बच्चों, साइंटिफिक लैंग्वेज में बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। दैट द स्क्रीन वॉज मेड ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल, इट वॉज एन इनफ्लोरेसेंट केमिकल, ऑल दोज थिंग्स आर नॉट गिवन हियर, वो दिया नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग है और डिटेल में समझने में मजा आता है। तो ग्लास ट्यूब, कैथोड, एनोड, एनोड में होल, होल से पास हुई रेज, कहाँ पे जाके खत्म हुए, स्क्रीन पे जाके खत्म हुए। स्क्रीन पे क्या लगाया था, फ्लोरेसेंस वाला मटेरियल लगाया था, यहाँ पे लिख भी देते हैं, है ना। इसको लोग फॉस्फोरोसेंट मटेरियल भी कहते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल भी कहते हैं, तो इसको आप फ्लोरेसेंट मटेरियल, बहुत लोग फॉस्फोरोसेंट मटेरियल भी कहते हैं, बेसिकली ग्लो होने वाला मटेरियल ऐसा समझ लो, चलो ओके। तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट में इनकी डिस्कवरी एक्चुअली क्या थी, डिस्कवरी दो मेजर चीजों की थी, एक कि ये जो रेज हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये रेज क्या है नेगेटिवली चार्ज्ड। क्यों नेगेटिवली चार्ज्ड है भाई, तो भाई कैथोड से आई है और एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो इससे प्रूव हुआ कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। और फर्दर प्रूफ क्या था नेगेटिवली चार्ज होने का, सबसे मेजर प्रूफ ये था, इसने क्या किया, दिमाग क्या लगाया, देखो ये रहा तुम्हारा कैथोड, ये रहा एनोड, ये रही स्क्रीन, मैं सिंपल डायग्राम से समझाता हूं, ठीक है बच्चों। अभी ये आपकी रे ऐसे स्ट्रेट लाइन में, अच्छा रेज विल ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन ऑफ कोर्स, तो यू एक्सपेक्टेड टू टच द स्क्रीन हियर, तो वो भाई साहब ने एक्सपेक्ट किया कि भाई मेरी स्क्रीन पे मेरे को जो ग्लो दिखना चाहिए, जो जो लाइट दिखनी चाहिए वो इधर दिखनी चाहिए थी, पर व्हाट ही फाउंड आउट वाज आफ्टर द पॉइंट ए, आफ्टर द एनोड, अगर उसने एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट लगाई, क्या लगाया उसने ऊपर एक पॉजिटिव प्लेट, मेटल की एक प्लेट लगाई जिसको क्या किया पॉजिटिव चार्ज था, नीचे क्या लगाई मेटल की प्लेट थी जिसको नेगेटिव चार्ज था, व्हाट ही फाउंड वाज कि ये जो लाइन थी ना ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई और यहां चली गई, मतलब ये किसकी तरफ गई बच्चों, पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई ना, तो ये जो रेस थी ये कैसी थी, ये नेगेटिव रेस थी, हेंस प्रूव हो गया एकदम। अगर वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाती तो क्या होता, पॉजिटिव होती। तो स्क्रीन पे आपका पहले आप यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाइट आएगी ग्लो होगा, अभी आप यहां पे लाइट आ रही है, समझ रहे हो आप बात को,
यस, तो आपकी डिफ्लेक्शन ऑफ द रे भी उसने ऑब्जर्व की, तो उसको पता चला कि भाई ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते थे बट ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? दे वर वेरी स्मॉल, दे वर नेगेटिवली चार्ज, एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर 1837 टाइम्स लाइटर देन अ हाइड्रोजन एटम, राइट? हाउ डिड दे फाइंड आउट द मास? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने मास ढूंढा था, ठीक है ना? सो दे वर नेगेटिवली चार्ज, दे वर इन द फॉर्म ऑफ रेज, ही कॉल्ड देम कैथोड रेज एंड ही फाउंड आउट दैट दे वर वेरी लाइट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ऑल एटम्स। मतलब यहां का जो कैथोड बनाने का मटीरियल है ना, मटीरियल चेंज भी कर दिया ना तो भी रेज का नेचर चेंज नहीं हुआ, रेज वैसी ही रही, तो हर एटम में होता है। दिमाग में गया? गोल्ड रख के देखा तो भी वही आएगा, सिल्वर रख के देखा तो भी वही आएगा, कॉपर रख के देखा तो भी वही आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये सारे एटम्स में होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द एलिमेंट। समझ पा रहे हैं आप लोग, है ना? तो ऐसा उसने बोला कि ये सारी बातें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अपने को पता होनी चाहिए। फिर से देख लेना जे जे थॉम्सन के बारे में क्या क्या याद रखोगे। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे, कैथोड रेस विच वॉज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉम्सन, हाउ बाय कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, व्हाट आर द फीचर्स, दे वर इन द फॉर्म ऑफ कैथोड रेस, ऑफ कोर्स लेटर फाउंड टू बी इलेक्ट्रॉन्स, दे वर नेगेटिवली चार्ज, दे मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। क्लियर बच्चों? ओके, तो ये हो गई डिस्कवरी ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया। उसके बाद आया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। नाउ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड हियर, रदरफोर्ड वाज अ स्टूडेंट ऑफ थॉमसन, ऐसा कहते हैं, मतलब नॉट अ डायरेक्ट स्टूडेंट लाइक जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हो ऐसा वाला टाइप नहीं, बट या वन ऑफ द स्टूडेंट्स हू वर लर्निंग इन द सेम यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ, वैसा, ठीक है? इन मोस्ट ऑफ द बुक्स यू विल फाइंड इट रिटन दैट या ही वाज द स्टूडेंट ऑफ, ठीक है? ये भाई साहब ने दिमाग लगाया और बहुत जबरदस्त दिमाग लगाया। सो बोला ये मैटर है, कोई भी चीज ये मैटर है, ये मैटर कुछ भी मैटर है ना, ये कोई भी चीज, ये मैं हाथ में ऐसे रखता हूं तो मुझे करंट नहीं लगता, सही है? मैं हाथ में रखता हूं तो मुझे करंट नहीं लगता। तो उसने बोला बॉस थॉमसन बाबा बोल के गए कि इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, हर मैटर के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, सब बोला था थॉमसन ने। हाँ, अब ये न्यूट्रल है, मतलब इसके अंदर सेम टाइप का एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए कि नहीं, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज वाला होना ही चाहिए, सीधी बात है ना? सो ही थॉट कि मैं ऐसा एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ढूंढता हूं, रहेगा ही, गारंटी अंदर रहेगा ही। कैसे ढूंढेगा? सेटअप भी चेंज नहीं किया भाई साहब ने, ग्लास ट्यूब सब कुछ सेम, एनोड कैथोड रिवर्स किया, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस किए, क्या मिल गया? प्रोटॉन। समझ में आई बात? बोलो हाँ की ना। अच्छा, ठीक है, तो क्रेडिट अगर आप देखोगे ऑफिशियली, इवन इफ यू गूगल इट, ठीक है, इन मेनी ऑन मेनी वेबसाइट्स यू विल रीड दैट रदरफोर्ड डिस्कवर्ड प्रोटॉन, एंड मेजॉरिटी प्लेसेस एंड मेनी बुक्स, रेफरेंस बुक्स एंड प्लेसेस यू विल फाइंड दैट गोल्डस्टीन वाज द वन हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। सो दैट इज व्हाई इन मोस्ट ऑफ योर सीईटी मटीरियल, जेईई मटीरियल, एंट्रेंस एग्जाम नीट मटीरियल, यू विल फाइंड दोनों नाम लिखे हुए, रदरफोर्ड गोल्डस्टीन। समझ पा रहे हो? दोनों ने काम सिमिलर ही किया था, कोई बहुत बड़ी ये नहीं थी। किया क्या था? जैसे कैथोड रेस की डिस्कवरी हुई ठीक उसी तरह इक्वल एंड ऑपोजिट करके अपनी एनोड रेस की डिस्कवरी कर ली, ठीक है? और ये एनोड रेस की प्रॉपर्टीज क्या पता चली उनको, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ में आएगा। पॉजिटिव है, हाँ, और किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होते? नेगेटिव प्लेट की तरफ। पॉजिटिव है, कैसे प्रूव किया? नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते, है कि नहीं बच्चों?
अच्छा, ये तो हो गई बात प्रोटॉन की, प्रोटॉन की हो गई, पर रदरफोर्ड का नाम प्रोटॉन के लिए फेमस है भी नहीं ज्यादा, किसके लिए ज्यादा फेमस है? गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड प्लैनेटरी मॉडल ऑफ द एटम। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, कहा था ना रदरफोर्ड। सो रदरफोर्ड इज एक्चुअली वेरी फेमस फॉर टू थिंग्स एज आई मेंशन्ड, वन फॉर हिज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय गोल्ड फॉइल। तो कोई आपको पूछेगा कि भाई अर्नेस्ट रदरफोर्ड की सबसे बड़ी, सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट कौन सा है, तो आप बोलेंगे गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या बोलेंगे? गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये तो पहली चीज है जिसके लिए वो फेमस है एक्चुअली। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद ही गेव अस द प्लैनेटरी मॉडल ऑफ द एटम। क्या दिया था उन्होंने? प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, विच वॉज द कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन कि अच्छा न्यूक्लियस सेंटर में है और उस न्यूक्लियस के अंदर ही पॉजिटिव चार्ज है। अभी भी न्यूट्रॉन के बारे में उसको ज्यादा आइडिया नहीं था, पॉजिटिव चार्ज के बारे में आइडिया था। तो उसने क्या बोला? न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन बाहर, जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं, इसलिए नाम रखा। समझा ना नाम कैसे आया? आप लोग ग्रेविटेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ते हो फिजिक्स में, शायद पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों को केपलर्स लॉ, सेंटर में सन है, बाहर अर्थ है, वो अपने ऑर्बिट में घूमता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ऐसा सिखाया जाता है। ठीक है, तो वैसे वही फंडा है, सन और आजू बाजू अर्थ, वैसे यहां पे समझो न्यूक्लियस और आजू बाजू इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसको क्या बोला बच्चों? प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम बोला। सिंपल, ठीक है। कहां से आई ये थियरी, कैसे आई? अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से आई। क्या है ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, चलो देखते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट भी हम लोग सीखेंगे एक डायग्राम के हिसाब से। अभी मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले कि रदरफोर्ड ने एक्चुअली ऐसा मटेरियल चूज किया जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हो, है ना? कौन सा मटेरियल सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होता है? ऐसा कोई भी मटेरियल चलेगा क्या? नहीं, रेडियो एक्टिव मटेरियल है कि नहीं? आपको ऐसा मटेरियल चाहिए जो स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन बाहर फेंके। अच्छा, आप रेडियो एक्टिव मटेरियल ऐसे हैंडल कर सकते हो क्या? अच्छा हाँ, लेके आया, चलो, है ना, दोस्त को फोन किया, सुनना आज आते वक्त दो किलो यूरेनियम लेके आ, ऐसे नहीं होता है, राइट? इट्स वेरी डेंजरस। सो व्हाट यू डू, यू प्लेस द मटेरियल इनसाइड अ लेड चेंबर। ऐसा लेड का पूरा एक चेंबर बनाते हैं, ठीक है ना? लेड समझते हो? लेड, लेड इज पीबी। जो लोग अगेन सुपर हीरो के फैंस हैं उनको पता होगा, अगर आपने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन 2015 की जो डॉन ऑफ जस्टिस पिक्चर देखी होगी, तो उसमें ना बैटमैन वो लेड के बुलेट्स बनाता है जिसके अंदर वो क्रिप्टोनाइट का पाउडर वो भर के सुपरमैन को मारता है, क्योंकि सुपरमैन कैन नॉट सी थ्रू लेड। लेड का बहुत इंपॉर्टेंस है, बस, है ना? बच्चे सोचते होंगे कि सर क्या कॉमिक बुक्स ही पढ़ते क्या पूरा दिन? तो ये जो है लेड पीबी, ये क्या करता है? ये रेडिएशन अब्सॉर्ब करता है। तो अब देखना ध्यान से, मुझे चाहिए कि मेरे जो भी रेडिएशन बाहर आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए, है ना बच्चों? तो इसने क्या किया ना, और इन जनरल ये किया जाता है कि इधर एक छोटू सा होल रख के एक ऐसा चेंबर तैयार किया जिसके अंदर उसने रेडियो एक्टिव मटीरियल को रखा, ताकि इतना छोटा सा होल रहे कि सिर्फ ऐसा एक वेरी थिन रे ऑफ पार्टिकल्स कैन पास थ्रू। क्या आप ये बात समझ पा रहे? ऐसे उसने अल्फा पार्टिकल के एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की। अच्छा, होता क्या है, कोई भी रेज जब सोर्स से निकलती है ना, तो वो स्कैटर होने की कोशिश करती है। कोई भी लाइट रेज या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जब सोर्स से जितना दूर, जितना आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है, उतनी क्या होती है उसकी स्कैटरिंग होती है। जैसे कि यहां देख लो, अभी आपको छोटा सोर्स दिख रहा है गोल, है ना? जितना मैं दूर लेके जा रहा हूं बड़ा होता जा रहा है कि नहीं?
है ना, क्या हो रहा है, लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, सीधी बात है, प्रैक्टिकली देखोगे तो ज्यादा अच्छा समझता है। तो यहां पर भी वो फंड है। चलो फिर तो शुरू में उसने भाई सिंगल लाइन की, फिर वो स्कैटर होने लगे, तो उसको वापस एक पतली सी लाइन, एक पतली सी रेस चाहिए थी। तो उसने क्या किया, लेड की एक प्लेट बनाई और उसमें एक छोटा सा होल किया। जैसे उसने क्या किया था, एनोड में होल करके डाला था ना सिंगल रेस के लिए जे.जे. थॉमसन ने। इसने क्या किया, लेड की एक प्लेट बनाई, उसके थ्रू डाला। तो वो प्लेट में से पास होने के बाद क्या हुआ, जो स्कैटर्ड रेस थी वो अभी क्या हुई, सिंगल रे ऑफ अल्फा पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुई। क्या ये दिमाग में जा रहा है? तो समझो ऐसा, उसने मेरी गंदी सी लेड की प्लेट मैंने बना दी ऐसे, और उसके अंदर उसने होल कर दिया, और ये होल करने के बाद में यहां से एक सिंगल लाइन में पास हो गया। ठीक है, तो यहां से आने के बाद वो स्कैटर होना शुरू हो गए थे, पर वो स्कैटर को उसने कंट्रोल कर लिया। चलो ठीक है, ओके। अब फोटोग्राफिक प्लेट, जो मैंने बोला ना फ्लोरोसेंट मटेरियल, फोटोग्राफ कैसे बनता है, लाइट पड़ती है, फोटो बनता है। पुराने जमाने में फिल्म होती थी, फिल्म कैमरा में, आप लोगों ने देखी नहीं होगी शायद, है ना, वो रोल होते थे फिल्म के, अपने पेरेंट्स को पूछना। वो लाइट पड़ती थी, वो रोल खराब हो जाता था, क्योंकि लाइट पड़ते ही उसके अंदर का मटेरियल चेंज हो जाता है, वही फ्लोरोसेंट मटेरियल जो मैंने कहा था। इंस्टेंट कैमरास में भी होता है, अभी भी होता है, वो गजनी पिक्चर में दिखाया ना, आमिर खान लेके घूमता है, पोलराइड कैमरा बोलते हैं उसको। तो उसने क्या किया ना, एक कर्व्ड स्क्रीन लगाई ऐसी। अब बोलोगे सर कर्व्ड स्क्रीन क्यों लगाई, क्योंकि यार उसको नहीं पता था ना कि मैं बीच में जब गोल्ड फॉइल रखूंगा तो टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन सीधा जाएगा कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा, उसको नहीं पता था। तो उसने क्या किया, स्क्रीन सब साइड लगा दी कि कहीं भी जाए पता तो चले कि कहां जा रहा है, समझ रहे हो। तो व्हाट ही ऑब्जर्व समथिंग वेरी नाइस, व्हाट ही ऑब्जर्व वाज कि बॉस जब वो अल्फा पार्टिकल्स आए, अल्फा पार्टिकल्स ऐसे आए, ये रहे अल्फा पार्टिकल्स, और एक पतली सी गोल्ड की फॉइल से जाके वो टकरा गए। अच्छा, हाउ थिन वॉज द गोल्ड फॉइल, ही हैड बीटन, गोल्ड मैलिएबल होता है ना, पता है आप लोग, गोल्ड बहुत मैलिएबल होता है, उसको आप मार मार के हैमर करके बहुत पतला बना सकते हो। उसने इतना पतला फिजिकली उसको जैसे पॉसिबल था उतना बनाया था। इट वॉज लेटर फाउंड आउट दैट इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक एक एटम के लेयर जितना थिक था, इतना पतला था, बहुत पतला उसने लेयर बनाया था गोल्ड का। तो थिन गोल्ड फॉइल उसने रखी, अल्फा पार्टिकल आएगी थिन गोल्ड फॉइल से टकराए, और थिन गोल्ड फॉइल से कोलाइड होने के बाद वो अल्फा पार्टिकल, वो अल्फा रेज अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गए। क्या हो गए, अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुए। उसमें से काफी सारे स्ट्रेट लाइन में पास हुए, काफी सारे स्ट्रेट लाइन में पास हुए, और कुछ ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ ऐसे थे जो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। समझो जरा, अगेन ए सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द डायग्राम, लेट्स अंडरस्टैंड। ये गोल्ड फॉइल के पास आया, टकराया, रेस, मेजॉरिटी रेस पास थ्रू विदाउट डिविएशन, मेजॉरिटी रेज विल पास थ्रू इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट डिविएशन। सम ऑफ देम डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, थोड़े थोड़े ऐसे थे जो छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, ये वाले ऐसे, और कुछ रेज ऐसे थे जो बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, समझ रहे हो आप लोग। एंड वेरी रेयर कुछ ऐसे रेज भी थे जो जाके गोल्ड फॉइल से टकरा के वापस 180 डिग्री वापस आ गए, समझे, ऐसे गए गोल्ड फॉइल से टकराए वापस आ गए 180 डिग्री सीधा, ऐसा भी हुआ। तो चार टाइप के उनके ऑब्जर्वेशन बताओ, चार ऑब्जर्वेशन क्या थे बताओ, मोस्ट रेज पास्ट विदाउट डिफ्लेक्शन, ये पहला ऑब्जर्वेशन था बच्चों,
बोलो हाँ कि ना। पहला उनका ये था कि जो मेजॉरिटी रेज थी वो सीधी सीधी चली गई। कैसे पता चला? भाई यहाँ पे ग्लो हो रहा है ना यार, फ्लोरेसेंट मटेरियल था ना, तो उसको बीच में ज्यादातर मिले तो उसको पता अच्छा सब सीधे आए। फिर इधर अचानक मिला एक, बोले अच्छा थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ। फिर इधर अचानक मिला, अच्छा थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ। फिर इधर ग्लो मिला, इधर ग्लो मिला, अच्छा ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया। समझ पा रहे हो ना, ऐसा है। तो बोला अच्छा, ऑब्जर्वेशन नंबर वन क्या, मोस्ट रेज पास विदाउट डिफ्लेक्शन, दैट इज गुड। ओके, सेकेंड, सम डिफ्लेक्टेड थ्रू, सम डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, सम डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, देन सम डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स, एंड वेरी रेयरली, वेरी वेरी रेयरली फ्यू रेज, वेरी रेयरली फ्यू रेज डिफ्लेक्टेड एट 180 degrees angles। सीधा मतलब दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन, सीधा सीधा ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए। क्लियर हुई बात? अच्छा, इससे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, इन्फरेंस। तो इसमें से इन्होंने इन्फरेंस क्या निकाले, अब जरा ये बात करते। तो भाई बोला उसने कि भाई ज्यादातर डिफ्लेक्ट नहीं हुए, इसका यह मतलब है कि एटम इज मोस्टली एम्प्टी, है ना। ये उसने उससे इन्फ्रेंस निकाला क्या, कि जब अल्फा पार्टिकल किसी चीज से टकरा ही नहीं रहा है तो मेजॉरिटी स्पेस कैसी है, खाली है। क्या ये बात क्लियर हुई, है ना। ओके, थोड़े थोड़े स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, कि मतलब जब ये एटम है, इमेजिन कर रहा हूं मैं कि मैं, जैसे उसने इमेजिन किया कि मैं स्फीयर इमेजिन कर रहा हूं एटम, वो तो ऐसे अल्फा पार्टिकल है जो वैसे तो पास हो गया तो खाली जगह थी, बट कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए, मतलब या तो किसी बहुत छोटी चीज से टकराए होंगे, है ना, तभी तो डिफ्लेक्ट हो गए, छोटे एंगल से, ज्यादा नहीं हुए, बट स्मॉल थिंग्स। तो इलेक्ट्रॉन होता ही है तो उसको पहले से पता था ना कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज होती है ना। तो उसने बोला अच्छा ये इलेक्ट्रॉन से टकराए होंगे क्योंकि वो बहुत हल्के होते हैं ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन हुआ। समझ में आया, ऐसा। अच्छा, थोड़े थोड़े लार्ज डिफ्लेक्शन हुए, थोड़े थोड़े लार्ज डिफ्लेक्शन हुए। तो लार्ज डिफ्लेक्शन से उसने क्या दिमाग लगाया कि भाई दे मस्ट हैव हिट द न्यूक्लियस, दे मस्ट हैव हिट द, उसने न्यूक्लियस की पहचान की कि अच्छा लार्ज डिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो ये न्यूक्लियस को टकराया होगा। और जो 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में आया उससे उसने क्या दिमाग लगाया कि भाई न्यूक्लियस मस्ट बी पॉजिटिव, न्यूक्लियस मस्ट बी पॉजिटिव एंड इन द सेंटर। कैसे? बोला कि अगर सेंटर में नहीं होता ना, ठीक है, और सारा पॉजिटिव चार्ज उसमें कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता, तो मास और चार्ज दोनों कहां है, न्यूक्लियस में, तो हैवी है, तो जब अल्फा पार्टिकल जाता है तो ना ही उसको हिला पाता है क्योंकि वो हैवी है, मास है उसमें, और वो 180 डिग्री क्यों आता है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपेल होगा और सीधा उल्टा आ जाएगा। तो उसने अपने ऑब्जर्वेशन से ये सारे इन्फ्रेंसेस निकाले। क्या ये क्लियर हुई बात, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये न्यूक्लियस। So, उसके प्लैनेटरी मॉडल के पॉइंट्स क्या बने, अब आप बता सकते हो। प्लैनेटरी मॉडल का पहला पॉइंट था एटम इज मोस्टली एम्प्टी, दूसरा पॉइंट था न्यूक्लियस इज इन द सेंटर, तीसरा पॉइंट था इलेक्ट्रॉन्स आर अराउंड द न्यूक्लियस, चौथा पॉइंट था न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज और मास दोनों कॉन्सेंट्रेटेड है। बस ये जो चार इन्फ्रेंस थे वही चार पॉइंट क्या थे, प्लैनेटरी मॉडल के पॉइंट्स थे। डज दिस थिंग मेक सेंस टू यू ऑल, बच्चों बोलो हाँ कि ना। यस, अब जरा मार्किंग कर ले फटाफट कि रदरफोर्ड भैया ने क्या क्या किया था। ठीक है,
तो ही परफॉर्म्ड इन 1911 स्कैटरिंग गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट एंड ही फाउंड दैट फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल. उन्होंने एक लाइन में लिख दिया, मैंने आपको आधे घंटे पकाया होगा, पर उन्होंने एक लाइन में लिख दिया फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक. बाउंस बैक मतलब 180 डिग्री, है ना. अच्छा, फ्रॉम दिस व्हाट ही इन्फर्ड, उसका इन्फरेंस क्या निकाला उसने, प्रेजेंस ऑफ मैसिव, मैसिव मतलब बड़ा मास वाला और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द एटम, है ना. तो एक्चुअली ये बोलते ना कि ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी थी, ये एक्चुअली किसकी डिस्कवरी थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी. इसमें आप देख सकते हो प्रोटॉन का नाम कहीं आया क्या, प्रोटॉन का नाम तो आया ही नहीं. इसलिए तो मैंने कहा कि प्रोटॉन के डिस्कवरी के लिए तो यही वाला था, ये जो ग्लास ट्यूब कैथोड रे ट्यूब था वैसे ही वो उसको रिवर्स करके एनोड रे ट्यूब बना के प्रोटॉन निकाल लिया, ठीक है कोई बड़ी बात नहीं थी. बट यहां पे कि वो न्यूक्लियस के अंदर है ये बताने के लिए भाई ने मेहनत करी. और अच्छा, तो इसके बाद आगे क्या हुआ, फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस हो गया. उसके बाद अगेन रदरफोर्ड ने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि भाई अल्फा पार्टिकल्स अगर फास्ट मूविंग हैं तो ये नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन. क्या मतलब, आपने नाइट्रोजन का एटम लिया, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल ऐसे, मतलब अल्फा पार्टिकल देखे आपने नाइट्रोजन के मुंह पे मारा, ये ले अल्फा पार्टिकल ठूस ले, तो आपने नाइट्रोजन का एटम लिया, आपने क्या किया उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किया, हाई स्पीड में अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर मारा. तो अल्फा पार्टिकल जब उससे जाके टकराएगा तो क्या होगा, वो नाइट्रोजन एटम कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं, ट्रांसम्यूटेशन. बायो वाले बच्चों को ये वर्ड अच्छे से समझेगा, म्यूटेशन, चेंज इन डीएनए, सडन चेंज इन डीएनए को म्यूटेशन बोलते हैं, बताया था मैंने, याद है बायो के क्लास में. तो खैर, ट्रांसम्यूटेशन भाई, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज हो गया ना, ट्रांसम्यूटेशन हुआ, नाइट्रोजन क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया. जिन बच्चों को ये नहीं समझा उनको बता दूं, गिनो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने ये थे, 7 इलेक्ट्रॉन और 14 ये थे ना उसका एटॉमिक मास नंबर, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन 7 न्यूट्रॉन. यस, अल्फा पार्टिकल में कितने थे, 2 and 4, है ना. टोटल कितने होने चाहिए थे बताओ जरा, टोटल होने चाहिए थे 18 और 9, यस और नो. पर उन्होंने जब ऑब्जर्व किया उनको पता चला कि यहां पर ये स्प्लिट हो गए 17 और 8 और 1 1 में, और ये 1 1 जो बना ये क्या था, ये हाइड्रोजन था. सिंपल. तो इन्होंने ये देखा, भाई साहब ने ये देखा कि कोई भी एलिमेंट को, ए एलिमेंट को बी एलिमेंट बनाना, यहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया आपने, ठीक है, आप सोडियम को मैग्नीशियम बनाओ, क्लोरीन को आर्गन बनाओ, कुछ भी करो, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में अगर ट्रांसम्यूट करना है आपको, तो हाइड्रोजन हमेशा लिबरेट होता है. क्या लिबरेट होता है, हमेशा. तो इससे उसने क्या हाइपोथेसिस दिया होगा, क्या सोच सकते हो आप, दिस इज वन एलिमेंट, दिस इज अनदर एलिमेंट, दिस बिकम्स दिस, बट हाइड्रोजन इज ऑलवेज एलिमिनेटेड, मतलब इसमें से हाइड्रोजन हमेशा निकलता है, ये जब ये बनता है तो इसमें से हाइड्रोजन हमेशा निकलता है. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कोई भी एलिमेंट हो उसके अंदर हाइड्रोजन न्यूक्लियस प्रेजेंट है या हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ऐसा बोल सकता हूं, प्रेजेंट था तभी तो उसने रिलीज किया ना, ऐसा लॉजिक लगा सकते हो, है ना. तो ये तब ये बात हुई, तब ये पॉइंट रेज हुआ कि हां, एवरी एलिमेंट एक्चुअली कंटेन्स द हाइड्रोजन एटम या द हाइड्रोजन न्यूक्लियस. क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग बच्चे लोग, इट्स नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड टू बी वेरी ऑनेस्ट. ध्यान से शांति से सुनो, समझो, अच्छे से समझ में आएगा. क्या बोला मैंने, ए बिकेम बी एंड बाय प्रोडक्ट क्या था, हाइड्रोजन. अब बोलोगे ठीक है, सो ऐसा बोलेंगे कि ए जब बी में कन्वर्ट हुआ और हाइड्रोजन बाहर फेंका तो इसके अंदर पहले से हाइड्रोजन प्रेजेंट था, राइट. तो आप बोलोगे सर ये जान के हमने क्या उखाड़ा, ये इंफॉर्मेशन से हमने क्या, हमको क्या मिला.
आपको ये समझ में आया कि हाइड्रोजन एटम यानी कि ये जो वन वन है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन, जो भी जीरो न्यूट्रॉन होते हैं इसमें, तो ये हर जगह प्रेजेंट था। तो जैसे थॉमसन बोल के गए थे कि एवरी एटम, थॉमसन क्या बोल के गए थे ये देखो, पढ़ो क्या बोला है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स। क्या इन्होंने ये प्रूव किया कि ये जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है दैट इज प्रेजेंट इन ऑल एटम्स? प्रूव किया ना। और ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका एक करेस्पॉन्डिंगली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा और उसको उन्होंने प्रोटॉन बोला। क्या ये बात अभी क्लियर हुई सब बच्चों को? यस। सो ऑन दिस बेसिस ध्यान से सुनना, ऑन दिस बेसिस रदरफोर्ड सेड दैट हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज कंटेन्ड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स, हेंस हाइड्रोजन न्यूक्लियस को ही उसने प्रोटॉन का नाम दे दिया। क्लियर बात हो गई बच्चों? और ये तो रियलिटी, आपको पता ही है। आप H+ को क्या बोलते हो, आप मुझे बताओ, H+ को आप किस नाम से जानते हो? प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि H हाइड्रोजन का एटम था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये जो H+ बचा ये क्या है, सिर्फ एक प्रोटॉन ही तो बचा उसके पास। बोलो हाँ कि ना। हेंस प्रूव हो गया है ना। बाय द वे जस्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग प्लीज लिख के रखिएगा यहाँ पे बच्चों, दैट अल्फा पार्टिकल्स, आप अपने टेक्स्ट बुक में लिख देना या फिर यहाँ पर यहाँ लिख देना नोट करके कि अल्फा पार्टिकल एक्चुअली क्या होते हैं। क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल? हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल क्या है बच्चों? हीलियम के एक अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम के एटम का एक न्यूक्लियस। और हीलियम का क्या है एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद करो, नंबर 2 और मास नंबर 4। इसलिए तो ऐसा लिखा ना अल्फा पार्टिकल 2, 4। क्या ये बात समझ में आई? ओके, सो ही कॉल्ड देम एज प्रोटॉन ऑफ कोर्स एंड दैट इज हाउ द आइडिया ऑफ द प्रोटॉन केम इनटू बीइंग। गोल्डस्टीन का नाम यहां पर दिया नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूं, गोल्डस्टीन का नाम भी याद रख लेना because in majority of the reference books you will find that name and then you will come and tell me sir aapne Goldstein ka naam nahi bataya, bata diya. Theek. Last subatomic particle is neutron. Electron ho gaya, proton ho gaya, neutron. proton ki discovery ke baad charge balance ho gaya na, electron negative proton positive, khatam. Sahi hai? एक जवाब अभी भी नहीं मिला था लोगों को, कौन सा वाला? मास कहां से आ रहा है, एटम का मास कहां से आ रहा है? क्यों? क्योंकि डाल्टन ने तो 1808 में बोल दिया था ना पहले ही कि भाई एटम और मैटर शुड हैव मास, शुड ऑक्यूपाई स्पेस, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में चार्जेस तो बैलेंस कर रहे हैं, मास कहां से आ रहा है? ये सवाल रह गया ना बच्चों। अगर आप ये भी मान लो, समझो ऐसे मान लो कि भाई दो प्रोटॉन है दो इलेक्ट्रॉन है, हीलियम की बात करो, हीलियम में क्या है, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल मास है, ये भी आपने मान लिया, चलो इसका मास को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो भी दो यूनिट मास होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? दो यूनिट्स होना चाहिए था मास, है कि नहीं? चार यूनिट कैसे है ये नहीं बता पा रहा था ना कोई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगेन वेरी लॉजिकल इन्फ्रेंस, इसका मतलब कि एटम के अंदर कुछ तो ऐसा है जो चार्ज को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है पर मास को कंट्रीब्यूट कर रहा है। बोलो हाँ कि ना, दिमाग में गया क्या बोला मैंने? कुछ ऐसा होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए एटम के अंदर जिसका चार्ज को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करेगा लेकिन मास को ऐड करेगा। तो ऐसा पार्टिकल ढूंढने निकले अब जिसका चार्ज जीरो है और मास कुछ हो। Agreed? और यह ढूंढने का काम किया प्रोफेसर जेम्स चैडविक ने। किसने किया? जेम्स चैडविक। अगेन एज आई सेड, एक इंटरेस्टिंग थियरी और एक इंटरेस्टिंग फंडा है ऐसा, मोस्टली इट इज ट्रू ओनली दैट थॉमसन का स्टूडेंट
रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का स्टूडेंट चैडविक, ठीक है ना। तो क्या होता था कि ये लोग एक दूसरे से सीखते थे, इनकी रिसर्च पढ़ते थे, समझते थे, यू शुड गेट गाइडेंस एंड एवरीथिंग, एंड दैट इज हाउ दिस होल प्रोसेस ब्यूटिफुली इट कैरीड फॉरवर्ड, एंड दैट इज वाई आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटम बिकेम बेटर। ठीक है बच्चों, चलो। सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एंड देखो मैसिव ये वर्ड है ना, मतलब कि हैज मास, हा मैसिव लिटरली डज नॉट हियर इट डज नॉट मीन लाइक मैसिव, नहीं, मैसिव मतलब हैज मास। रदरफोर्ड ने ये बोल दिया था पहले, प्रिडिक्शन दिया था कि भाई कुछ तो है, क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द मास ना, ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन द चार्ज। उसने बोला ठीक है, चार्ज बैलेंस कर दिया मैंने, मास का कैसा है कि भाई एक पार्टिकल होगा जिसको कुछ मास होगा और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, होना चाहिए न्यूक्लियस में, पर वो मैं ढूंढ के डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहा हूं। क्या ये बात समझ रहे हैं आप लोग? जैसे आपको मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था कि मेंडलीव ने ऑलरेडी बोल दिया था एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, एका जर्मेनियम आएगा, वो क्या है वो नहीं बता पाया था, बट ही वॉज एबल टू प्रिडिक्ट ना, वैसे यहां पर है। तो रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट तो कर दिया था, चलो ठीक है। तो हुआ ये, जेम्स चैडविक ने वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन्स मेजर किया, नॉक्ड आउट फ्रॉम पैराफिन। व्हाट इज पैराफिन? इट्स अ टाइप ऑफ वैक्स, पैराफिन इज अ टाइप ऑफ, एक तरह का वैक्स होता है, वो मोम बोलते हैं ना हिंदी में, बेसिकली आपका हायर एल्केन होता है वो, हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे अपन, हायर एल्केन जिससे कैंडल्स बनती है वो। अच्छा, सो उसने क्या किया कि पैराफिन में से, ठीक है, पैराफिन में से प्रोटॉन्स नॉकआउट कर दिए, नॉकआउट मतलब ऐसा निकाल दिए। कैसे निकालेगा? वही जैसे अल्फा पार्टिकल्स ने टकरा के स्कैटरिंग की थी ना, वैसे। तो ये क्या किया, बेरिलियम लिया इसने, बेरिलियम का एटम, रेडियो एक्टिव बेरिलियम, मतलब बेरिलियम के थ्रू पास किया था रेडियो एक्टिव पोलोनियम के रेडिएशन को। पोलोनियम नाम का एक रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है, ठीक है, मैंने शायद बोला भी है, पोलोनियम है ना, सिखाया आप लोगों को, ग्रुप 16, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम। पोलोनियम जो था वो लिया, फिर उसका जो रेडिएशन था उसको बेरिलियम की शीट के थ्रू पास किया, राइट, और फिर उसको पैराफिन के थ्रू पास किया। तो व्हाट ही फाउंड आउट वाज, पैराफिन में से क्या निकले, प्रोटॉन्स निकले, प्रोटॉन नॉकआउट हो गए पैराफिन के अंदर से। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं समझ रही तो डायग्राम देखो, नहीं समझ रही तो डायग्राम देखो। पोलोनियम का सोर्स, क्या मैं यहां लिख दूं पोलोनियम रेडियो एक्टिव सोर्स? बोलो यस और नो। ओके, पोलोनियम के सोर्स में से क्या निकाले, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को किसके थ्रू पास किया, बेरिलियम के थ्रू। तो बेरिलियम में से क्या निकले, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स ने जाके किसको मारा, पैराफिन को मारा, उसमें से क्या निकला, प्रोटॉन। जिन लोगों ने पूल खेला या कैरम खेला उनको ये समझ में आएगा, तुमने स्ट्राइकर को मारा, स्ट्राइकर ने जाके व्हाइट ब्लैक वाले बॉल को मारा, उसने जाके ग्रीन वाले बॉल को मारा, उसने जाके जो भी है चलते रहता है ना। तो तुमने रेडिएशन बहुत हाई एनर्जी की रेज मार दी, किसके ऊपर, बेरिलियम के ऊपर, उसमें से न्यूट्रॉन्स नॉकआउट हुए। वो न्यूट्रॉन्स ने जाके क्या किया, पैराफिन के ऊपर अटैक किया, उसमें से क्या हुआ, प्रोटॉन्स बाहर निकले। क्या ये बात समझ पा रहे आप लोग? यस। अच्छा, सो व्हाट ही सेड वाज, सॉरी देयर सम लैग हियर, जस्ट वन सेक। या सो ही सेड अनआइडेंटिफाइड रेडिएशन लिया उसने बेरिलियम में से। तो ये जो बेरिलियम में से रेडिएशन निकला था ना, ये वाला यहां लिखा है न्यूट्रॉन, पर उस समय ये आइडेंटिफाइड था क्या, नहीं, ये बाद में उसने ढूंढा ना कि ये न्यूट्रॉन है, पर उसने तभी उसको क्या बोला, अनआइडेंटिफाइड रेडिएशन। एंड ही वॉन्टेड टू फाइंड आउट कि ये जो अनआइडेंटिफाइड रेडिएशन है इसका नेचर क्या है। तो इसका नेचर उसने कैसे ढूंढा भाई, उसका मास उसने कैलकुलेट किया, एंड ही फाउंड आउट दैट द मास ऑफ द पार्टिकल्स वॉज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ
प्रोटॉन। क्या किया उसने, मास ऑफ द पार्टिकल्स वॉज ऑलमोस्ट द सेम एज प्रोटॉन एंड इसका चार्ज नहीं था। अच्छा चार्ज नहीं था ये निकालना तो बहुत ईजी है, कोई भी लॉजिकल इंसान बता सकते, क्या कर सकते, चार्ज नहीं है ये कैसे प्रूव किया होगा, क्या लगता है, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट लगा दी, सिंपल, वो ऐसे पास हो गया बिना डिस्टर्ब हुए, ना पॉजिटिव की तरफ गया ना नेगेटिव की तरफ गया, तो न्यूट्रल था, प्रूव हो गया, सिंपल। तो ही फाउंड आउट कि अच्छा मास इक्वल टू प्रोटॉन पर चार्ज नको नहीं है, तो ही नेम्ड दिस पार्टिकल एज न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल। तो यहां पर यह फंडा कंप्लीट करता है अपने किसको, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के फंडे को। ठीक है फिर से रिवाइज कर लो, हमारे पास कौन से तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। और ये जो टेबल है आपका, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स बन जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंट्रेंस एंड फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है भले वो जेई हो, सीईटी हो, नीट हो, आपका ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करना आपको पूरा का पूरा, वैल्यूज जो है सारे के सारे आपको लर्न करने हैं बच्चों। देख लो इलेक्ट्रॉन का सिंबल है ई माइनस। अच्छा आपको सारे डेसिमल प्लेसेस लर्न नहीं करने, अप टू वन डेसिमल प्लेस, तो इसको मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए, 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, ये क्या है, चार्ज है ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हो। नेगेटिव क्यों दिया है, नेगेटिव उसका साइन है, उस चार्ज का साइन, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है पता है ना आप लोगों को, तो हम लोग रिलेटिवली उसको क्या मान लेते हैं, माइनस वन यूनिट, सिंबल फॉर चार्ज इज माइनस ई ऑफ कोर्स। व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31, क्या किलोग्राम, किलोग्राम। इस बार की जेई में क्वेश्चन आया था एक ऐसे कैलकुलेशन के ऊपर, और बहुत सारे बच्चों ने ये मिस्टेक करी, वो 10 रेज टू माइनस 31 ग्राम लिख के आ गए थे, मतलब कैलकुलेशन के वक्त, तो कोई गलती मत करना। ठीक है मास बाय यूनिट, मास बाय यू क्या होता है मैं आपको सिखाऊंगा, अप्रोक्सीमेट मास नेग्लिजिबल ना, अप्रोक्सीमेटली मास क्या होता है, हम लोग क्या मान के चलते हैं बच्चों, नेग्लिजिबल, तो इसलिए जीरो मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट मास, रफ कैलकुलेशन। अच्छा प्रोटॉन ऑब्वियसली पी प्लस पॉजिटिव चार्ज है ना, 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19, चार्ज सेम है, पहला वाला नेगेटिव था ये वाला पॉजिटिव है। ठीक है प्लस वन मान लेते हैं, प्लस ई मान लेते हैं, वजन देख लो उसका, मास देख लो कितना है, 1.6 इंटू 10 टू माइनस 27, और न्यूट्रॉन का भी सेम है ना बच्चों, 1.6 इंटू 10 टू माइनस 27। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं यार ये तो सर 726 है, ये 493, अरे नहीं भाई इतना कोई डिफरेंस नहीं है, ये 10 रेस टू माइनस 27 छोटू सा है, फर्क नहीं पड़ता, 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 27, क्लियर है दिमाग में गया, ओके वन यूनिट इसको हम लोग स्टैंडर्ड मान लेते हैं। न्यूट्रॉन में सिंबल एन है, चार्ज बिल्कुल नहीं है, न्यूट्रॉन में चार्ज बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अपना पार्ट खत्म होता है, सेशन में इतना कर रहे हैं, इसको एंड करेंगे।